नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स को लेकर जनता सड़कों पर है, लेकिन एलजी सरकार जो है वो अड़ी हुई है कि ये लगेंगे ही लगेंगे। लोगों का आरोप है कि बिल ज्यादा आ रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये मीटर जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और देखिए, सरकार की हेकड़ी देखिए, या कहें तानाशाही देखिए कि अब तहसीलदार और पुलिस की मदद से ये मीटर लगाए जाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा जी हैं और न्यूज फैक्ट के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर पॉपुलर गवर्नमेंट का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा और क्यों अड़ गए हैं कि ये लगेंगे लगेंगे। सर, किस तरह से आप लेते हैं इसे? अमित जी, बिजली विभाग की पिछले 4 सालों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ वो यही है कि उन्होंने 4 सालों में 4 बार मीटर चेंज कर दिए। हर साल मीटर चेंज कर देते हैं। मुझे समझ नहीं लगती कि आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं। मेरे को लगता है कि ये अच्छी दुकानदारी है, मीटर आप लगाते रहिए, बदलते रहिए, करोड़ों का जो है फायदा है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है इसकी जाँच करने की जरूरत है, लेकिन जाँच कौन करेगा? हो सकता है हिस्सा वहां भी पहुंचता हो जहां आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की सरकार होगी तो कहीं ना कहीं कोई जवाबदेह होगा। यहां तो जवाब जिससे पूछा जाएगा वो तो आपको घर आके पकड़ के हो सकता है थाने नहीं, अब तो वो नौबत आ गई है सुरेंद्र जी, वो नौबत तो आ गई है ना। पहली तहसीलदार और पुलिस, पहली बात तो ये है जैसा आपने कहा कि सरकार है कहां। बिल्कुल सही, सरकार होती है लोगों के लिए। नहीं, वही बात है ना, ये तानाशाही वाली सरकार है। सरकार हमेशा लोकतंत्र की होती है, लोगों की होती है, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। पहली बात तो यह कि यहाँ पे चुनी हुई सरकार है ही नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त सरकार है उसका लोगों के साथ कोई संवाद नहीं है। पूरी तरह से तानाशाही चल रही है, मनमानी चल रही है। जिस फैसले का लोग विरोध करते हैं, सरकार जो है वो डंके की चोट पर कहती है कि ये तो अब जरूर होगा, ये तो लागू होगा ही होगा। स्मार्ट मीटर को लेके देखिए, अब तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। बिल्कुल। क्या आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि अब कुछ और सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट के जरिए आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये अच्छे हैं, या कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो उनको बिजनेस एसोसिएशन को आप कॉन्फिडेंस में लेकर कर रहे हैं? तो भाई, अब 4-5 लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लेकर वो चार पांच लोग जो है वो कह देंगे कि स्मार्ट मीटर सही है, तो लोग उनकी बात मान ले, क्यों मान ले लोग उनकी बात? सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले मीटरों को क्या हुआ, उनमें क्या खराबी थी? वो तो चीफ इंजीनियर ने खुद माना कि मान रहे हैं वो भी सही थे। अगर सही थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर ये दूसरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर जरूरत पड़ी है तो फिर उसके ऊपर अभी एक और जो इन्होंने जुमला छोड़ा है कि प्रीपेड होगी बिजली, जो बिल है वो प्रीपेड होगा। भाई क्यों प्रीपेड होगा? कोई जरूरी जबरदस्ती है क्या? पहले ये कहा जाता था कि दाल रोटी का इंतजाम करेंगे, अब तो ये हो गया कि पहले बिल का इंतजाम करेंगे फिर सोचेंगे। अब एक चीज है, जैसे अभी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मेरी जरूरत है, मुझे इस्तेमाल तो करना ही करना है। इसी तरह से बिजली मेरी जरूरत है, मुझे उसका इस्तेमाल करना ही करना है। लेकिन आप पाबंदी क्यों लगा रहे हैं कि भाई आपको प्रीपेड ही लेनी पड़ेगी? नहीं, मोबाइल अगर पोस्ट पेड भी नहीं, एक चीज है अशोक जी, अगर पोस्ट पेड भी मेरा बिजली का बिल ड्यू हो जाएगा तो आप तब भी तो मेरी बत्ती काट सकते हैं ना। नहीं, सवाल ये है कि लोग तो बिल दे रहे हैं ना। वही तो बात है कि आप बिल दे रहे हैं लोग। मैं बताऊं आपका, बिल एक बार नहीं, दो बार भी दे रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पिछले साल मैंने लगातार बिल दिए, अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है मोबाइल पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, तो अभी भी मेरे जेब में पड़ा हुआ है मोबाइल, उसमें लिखा हुआ है कि कब कब पैसे दिए हैं। मैं लगातार 5-6 महीने बिल देता रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पास बिल आ जाता है, आपका बिल जो पेंडिंग है वो 13,000 रुपया। मैं हैरान हूँ, अब पत्रकार हूँ तो सोचता भी हूँ, और पैसे के लिए भी सोचना पड़ता है कि बिल्कुल आखिर 13,000 मतलब क्यों हो गया, कैसे हो गया बिल, कौन सा हमने इतनी बिजली है। घर में जाके पूछा, भाई ऐसा कोई इक्विपमेंट तो नहीं खरीद लिया जिससे मतलब इतना बिल बढ़ गया हो? अब वो भी चलाना शुरू हो गया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 13,000 कहाँ से? देखिए, जितने भी बल्ब घर में लगे हुए हैं वो सारे वो एलईडी हैं, टीवी लगा होता है, टीवी में कितनी लाइट खर्च होती है, और फ्रिज है ज्यादा से ज्यादा, तो
13,000 बिल मतलब एक हद है, तो मैं जाके मैंने एप्लीकेशन दी कि मेरा ये बिल जो है ठीक नहीं है। तो जनाब जांच वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, तो जांच करने के बाद उन्होंने जो मेरे को जवाब दिया ये कहा कि आपका बिल, आपकी तार जो है वो गलती से दूसरे के ऊपर चली गई थी। अच्छा। और आपका जो है वो हमने सही कर दिया। मैंने बोला किसके सामने सही किया? नहीं वो नहीं, हम वो देखा आपका, देखिए इस महीने में इतना आया, इस महीने में इतना आया, इस महीने में आया, तो उस हिसाब से एवरेज देखिए तीन महीने में इतना बनता है। मैं भाई साहब मैं आपको बताऊं, मैंने घर में रिपेयर का काम लगाया हुआ था और कनेक्शन सारे उतारे हुए थे, तो मेरा ये जो पहले बिल दिया हुआ है मैंने वो जेन्युइन है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बिल तो आपको, ये तो नहीं उन्होंने कहा बिल तो आपको देना ही पड़ा था, पड़ेगा। मैंने बोला अगर बिल तो देना ही पड़े वाली कंडीशन है तो आप सर मेरे पास कोई दो चार बंदूक लेके आते, बंदे को डंडा लेके आते और सीधा छीन के ले जाते। अब अगर देने वाली बात है जब आपके पास आप जवाब ही कोई नहीं और आपने थोपना ही थोपना है तो फिर आप सीधा देखिए, अगर आप नहीं पूछते तो फिर इधर की तार उधर, उधर की तार इधर, वो कैसे? नहीं अब किसने देखी वो तार? वही तो एक एक चीज जो है हमें लगता है वो उस पर हमें ज्यादा फोकस भी करना चाहिए कि अब ये पूरा आप कह रहे हैं कि कुछ खराबियां थी, तो भाई खराबियां आपकी थी, आपके डिपार्टमेंट की थी, आपके सिस्टम की थी, कमजोरियां आपके सिस्टम की थी। अगर बिलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही थी या उसकी पेमेंट्स प्रॉपर नहीं हो रही थी या बिजली चोरी हो रही थी या आप ये भी कह रहे हैं कि आपके लाइनमैन कहीं गड़बड़ करते थे, तो ये आपके सिस्टम की कमजोरी थी ना, उसका खामियाजा लोग क्यों भुगते? आप सर हद देखिए इनकी, आप कह रहे हैं जो लीकेज होती है आपने अर्थिंग नहीं करवाई है उसके कारण भी आपका बिल हो सकता है जब आता हो। ये 75 सालों के बाद याद आया बिजली डिपार्टमेंट को कि अर्थिंग नहीं है। अब आप मेरे को बताइए ओल्ड सिटी में अगर किसी ने अर्थिंग करवानी हो तो कहाँ हो देगा वो, कहाँ करेगा अर्थिंग? नहीं मुझे वो डिपार्टमेंट का ये बिजनेसमैन को लेकर, बियर हाउस के प्रेसिडेंट को यहाँ पे लेकर, ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को लेकर और अशोक जी को लेकर क्या साबित करना चाहते हैं? मैंने वही कहा ना कि आप चार पांच लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लेके या शो कॉल्ड सोशल कॉन्फिडेंस में लेके जिनका आपने नाम लिया, अगर मान लीजिए वो कह रहे हैं हाँ भाई मीटर सही है तो क्यों लोग क्यों मानेंगे उनकी बात? मुझे इस बात का जवाब भी आज बड़ा नौटंकी हुई है, मैं बताऊँ आपको। वहाँ पे आज बियर हाउस वाले भी एक मीटर लेके आए थे, एक मीटर वो खुद चेक करने के लिए लाए थे, एक ऑलरेडी लगा था। एक डिपार्टमेंट ने कहा नहीं जो आपने लाया है हम इसे नहीं मानते। अच्छा। उन्होंने बताया कहा कि देखो ये आईएसआई है, तो कह रहे थे आईएसआई वाला कोई भी है, सब कुछ है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं वो बोलता वो देखिए आपने कस्टमर बाहर से खरीद के लाया है, पता नहीं कहीं छेड़खानी हुई होगी, मतलब। और यही प्रश्न लगा रहे हो मीटर? अच्छा दूसरा वो भी तो टेस्ट नहीं हुए। दूसरा ये भी है अशोक जी कि ये डिपार्टमेंट जो है वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि किसी का बिल अगर 2000 आ रहा था आज उसका बिल 12000 आ रहा है। हाँ। मेरी जानकारी में एक इलेक्ट्रिशियन है, बहुत काम करता था, बहुत ज्यादा मई जून में उसका बिल आया 1400, जून जुलाई में उसका बिल आया 1600 और इस महीने उसका बिल आया 12000। ये मानने को ही तैयार नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। 2000, 2500, 1400 ये मान सकते हैं कि चलो 1000, 1500, 4000, 5000, 10000, 10000 हो जाएगा सर? मेरे को बताइए एक मतलब कितने क्या यूज कर लेगा बंदा अगर एसी भी बढ़ेगा? आप जिसके जो ऑलरेडी मीटर पे बिल दे रहा है उसको सेंस है इतनी कि मेरा इतना बिल बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा? उस महीने का हीटर लगाएगा, जब आपको लगता है बॉयलर भी साथ लगाएगा, एसी भी साथ लगा देगा। 5000 हद होती है किसी चीज। सर एक और चीज है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों को कहते हैं कि जिनको शिकायत है हम उनके घर में ये मीटर लगा देंगे और चेक मीटर लगाइए। नहीं नहीं तो लाखों लोगों की शिकायतें हैं, लाखों लोगों की शिकायतें, कोई हजारों में नहीं। आप देखिए प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या करेंगे? प्रीपेड वाला मीटर लगाएंगे, फिर दूसरे मीटर भी खरीदेंगे। कहा चार साल में चार बार मीटर है वो तो तोड़ दिए इन्होंने, चार साल में चार। अच्छा बड़ी बात ये है, कबाड़ हो रहे हैं। जो मीटर आए उन्होंने निकाले हैं हमारे घरों से, वो हमारे रीडिंग नहीं चेक करवाए, उसके बाद हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जी आपका पिछला बैलेंस इतना था। भाई साहब कहां से आ गया? हम तो पिछले लगातार बिल देते रहे हैं, हमारे पास बिल है। नहीं नहीं उन्होंने रीडिंग गलत डाली थी। किसने गलती डाली थी? तो वो आपकी गलती थी, रीडिंग गलत डाली थी आपके लोग की, उसका काम डाली थी उसके ये सेक्शन लोग। ये सीधा सीधा ये है कि ये गुमराह करने की दादागिरी है, गुमराह नहीं, गुमराह भी नहीं, ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी की जा रही है। और दूसरी आपको लगाना ही लगाना ये है कि आपको नहीं लगता कि बाजार वालों को ये सवाल उठाना चाहिए था कि आपने टेस्टिंग के लिए एक मीटर लगा दिया, एक अपना लगाया, ठीक है लगा दिया, लेकिन जो लोगों के बिल आ रहे हैं उस पर आप क्या एक्शन लोगे?
जो इतने बिल आ गए हैं उसका तो जवाब ही नहीं है, क्या जवाब है? वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उस दिन हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने ये सवाल उठाया, प्रशासन जो करेगा वो ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ये मीटर को लेकर जो खरीद फरोख्त होती है इस पर जांच होनी चाहिए। 1700 करोड़ के मीटर लगे थे इससे पहले 2019 में, उनका क्या हुआ? 1700 करोड़ वो कबाड़ हो रहे हैं, बात है 1700 करोड़ उसी मोहल्ले में रखे हुए हैं। किसकी सरकार, सबसे बड़ा सवाल ये, किसकी सरकार में खरीदे गए और कौन था जिसने इसको अप्रूव किया था? आपको लगता है इस पर जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मीटर जो इन्होंने जो ये चार बार जो बदले हैं, क्यों बदले हैं, इसकी जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। आखिर देखिए, इनका पैसा अपना तो है नहीं, हमारा पैसा है ना, आपका पैसा है, मेरा पैसा, इनका पैसा है, उस पैसे से ये मीटर लाए हैं ना, तो इसके लिए जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि किसी ठेकेदार को, और पता करिए ये जो नए मीटर है ये कितने की कॉस्ट है और यहां पर कितने का आ रहा है और किसको ठेका दिया गया। और ये भी खजूरी साहब आप सर्च कर लीजिए, ये जो नए मीटर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इसमें भी कई खामियां हैं, ये भी कोई अप्रूव्ड नहीं है, इसके भी कई सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं, रीडिंग जैसे कि लोगों की आ रही है। और यहां तक भी सुनने को आया है कि जो इनका जो पूरा इस वक्त काम का चल रहा है इसके मीटराइजेशन के ऊपर, या जहां आईटी सेल का जो काम चल रहा है, वो सारा इस वक्त कुछ कैजुअल लोग जो है वो उनको एंगेज किया गया, कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है जिनको एंगेज किया गया है, इसलिए भी ये गड़बड़ियां हो रही है। और आपकी प्रोफेशनल स्टाफ इनके पास है नहीं। खजूरिया, हास्यास्पद ये है कि जितने सरकारी विभागों का जो बकाया था ना उसे जीरो कर दिया गया, वो कैसे? वो कैसे? हाँ बिल्कुल, उस दिन चीफ इंजीनियर ने बोला नहीं वो क्लियर हो गया, कैसे क्लियर हो गया? तो फिर जनता के भी जीरो कर देना? जनता नहीं, जनता तो खून निचोड़ने के लिए है, उससे कैसे कर सकते? तो ये जो पब्लिक इस तरह से जो प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो है उसकी कोई जिम्मेदारी भी बनती है कि नहीं बनती? देखिए सर, विपक्ष ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? कौन रोकेगा, कौन नियमन मननी पे? इस समय मैं कहूंगा कि हर आदमी जो है वो विपक्ष है, क्योंकि राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, जब नहीं होता तो ये पब्लिक की बात है, तो फिर सभी पार्टी को यहाँ भी प्रॉब्लम है उसके लिए सामने आना चाहिए। लेकिन मैं देखा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो मूक दर्शक बने हुए हैं, मूक दर्शक ही नहीं बने हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं नहीं नहीं ये ठीक हो रहा है, और दूसरी पार्टी को भी, मतलब दूसरी पार्टी जो कुछ कर रही है वो गलत कर रही है, और दूसरी पार्टी वाले भी सामने नहीं आ रहे खोल के, उन्हें लगता है कोई हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। एक चीज हो रहा है अशोक जी, मुझे लगता है लोगों को भी डराए हुए हैं, लोग डरे हुए, जनता को भी ये समझना चाहिए कि आज जो पार्टियां, जो नेता, जो नुमाइंदे आपके मुद्दों को लेकर, आपके इश्यूज को लेकर, हकों को लेकर जो है वो बोल नहीं रहे, तो आपको उनको कैसे जवाब देना है वो आपको भी सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है सर कि ये फिक्सिंग तो नहीं है सभी पार्टियों की आपस में, यार आप भी खामोश रहो, आप भी खामोश रहो, हम भी खामोश। फिक्सिंग तो खैर राजनीति में होती ही है, आप ये तो जबरदस्त फिक्सिंग है ना। लेकिन यहां मैंने देखा भ्रष्टाचार, यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स सबसे बड़ी बात है, प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू जैसी स्टेट, जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में, आप बताओ तो सही आपके पास रोजगार के साधन क्या हैं? बिल्कुल ठीक है, अगर किसी के दादा ने मकान बना दिया है, यूथ सड़क पर है, उसको पोता सफेदी नहीं करवा सकता, वो आगे प्रॉपर्टी टैक्स देगा, कहां से देगा? क्या आप उसे आपने सुविधाएं क्या दी है उसमें? एक चीज और आ रही है अशोक जी, कई मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि जिसकी 10-12 हजार रुपया आमदनी है ना पूरे महीने की, उसके घर 10 हजार बिजली का बिल आ रहा है। अब या तो देखिए, आप कहीं ना कहीं समाज को प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई जाओ गलत काम करो, गलत काम करो, पैसा कमाओ, या वो कहीं ना कहीं फिर इतना प्रेशराइज हो जाएगा मानसिक तौर पर कि या तो वो सोसाइटी कर लेंगे। वही चीज है ना, जब तनाव बढ़ेगा। हमने 90 का दौर भी देखा है, ठीक है, 90 का दौर हमने देखा है ना, वो भी हमने राज्यपाल वाला देखा हुआ है, और यहाँ पे एलजी वाला सबसे एरोगेंट राज्यपाल मैंने अभी देखा, मतलब इस तरह की हमने सरकारें नहीं देखी, इस तरह की हमने वो नहीं देखा। उस समय तो राज्यपाल मारा जा सकता था, हालात के हालात सही नहीं जम्मू कश्मीर में, तब इन्होंने राज्यपाल, एक चीज आप नोट करिए, शासन लाया, यहाँ पे देखिए, एक चीज नोट करिए, बताऊँ आपको, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में हालत ये हो गई है कि मौसम विभाग जो है वो आपको टेम्परेचर नहीं देता, क्योंकि जी सरकार ने कहा है कि मीडिया वालों को टेम्परेचर नहीं देना, ये गलत। अच्छा। अब बताइए उसमें टेम्परेचर को मीडिया वाले क्या कर लेंगे, ये यहां तक आर्डर्स निकाले हुए, तो इसको क्या कहेंगे आप, कौन सी सरकार? दूसरा एक पहलू और भी है कि जो केंद्र सरकार है, मुझे लगता है केंद्र सरकार
की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने की, कि जनता के साथ सीधा संवाद शुरू किया उन्होंने, उसी के दम पर जो है वो पॉपुलर लीडर बने, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस वक्त जम्मू कश्मीर की कमान गृह मंत्रालय के अंतर्गत है और वही सरकार कोई संवाद स्थापित नहीं कर रही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, एक के बाद एक ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं। ललित जी आप भी पत्रकार हैं, सुरेंद्र जी आप भी पत्रकार हैं, आप मेरे को बताइए जब से यहाँ उपराज्यपाल शासन हुआ है कितनी बार जो है वो आपने संवाददाता सम्मेलन कवर किया, कितने संवाददाता सम्मेलन बुलाते ही नहीं, और अगर संवाददाता सम्मेलन हुआ भी है अपनी बात, अपनी बात सुनाने के लिए, अपनी बात सुनने के लिए नहीं, आपने से कितने लोग जो है वो प्रश्न पूछ पाए, और उपराज्यपाल की एरोगेंसी, उपराज्यपाल की एरोगेंसी तब पता चल गई थी जब एक पत्रकार ने सवाल किया था कि सर यहाँ पे जो भर्ती है उसमें उतर गया, उन्होंने कहा था आपको भर्ती होना है क्या, आपने तो नहीं एग्जाम दिया हुआ। यही यही यार ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर दिया जाता है कि जब कोई टॉन्ट किया जाता है, जब प्रश्न कोई पूछे तो उसको डाइवर्ट करके अच्छा खाना तैयार किया हुआ है, जम्मू कश्मीर है, चोर है, पहले पहले आपको मिलता था कचौड़ी पकौड़ा, अब आपको हमने बड़े बढ़िया से पकवान, ये इस तरह की बातें करने से लगता नहीं उसकी मानसिकता ये है कि आप लोग जो थे वो बड़े गिगे गुजरे लोग थे, आपके पास था कुछ नहीं, आपने देखा कुछ नहीं, हमने आगे राजा बन गए, हम राजा हैं आप प्रजा हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है, आप ये राजशाही चल रही है। लेकिन क्या कहे कि जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य नहीं है कि एक हारा हुआ सांसद यहाँ पर राज कर रहा है, मतलब जिसे जिसे लोगों ने नकार दिया वो जम्मू कश्मीर के लिए भेज दिया। अब और हमें उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, 370 के बाद हमने ये कर दिया, 370 के पहले हमने ये कर दिया, जब इनकी बातें सुनो तो लगता है कि शायद इनसे ज्यादा झूठा कोई है ही नहीं दूसरा, हमें पता चल रहा होता है, हमें हमने देखा हुआ है सब कुछ, पता है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसको साथ 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 यहाँ पे आखिर में विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए सर? विपक्ष जब बिका हुआ होगा, विपक्ष जब बेकार होगा, जब विपक्ष डरा होगा, वो विपक्ष हो ही नहीं सकता, या उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी मजबूरियां वही चीजें हो सकती है। तो देखिए जबकि राज्यपाल साहब को, उपराज्यपाल साहब को ये मुद्दा उठाना चाहिए था कि जब तक ये एक्सप्रेस हाईवे जो है ये मुकम्मल नहीं होगा आप टोल नहीं देंगे। सर टोल आप जम्मू वाले जो यहाँ बन टोल प्लाजा है, आप मेरे को लगता है इससे ज्यादा टोल शायद ही ऊपर नॉर्थ जोन में कहीं, हमारे उत्तर भारत में कहीं होगा, बिल्कुल इतने ज्यादा चार्जेस हैं। और फिर टोल जो नेशनल हाईवे है उसका एक रूल्स रहते हैं कि आपका मतलब क्यों आपसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, आपकी कार स्पीड से निकल जाएगी, आपको कोई रुकावट नहीं होगी, सहूलियत होगी, लेकिन यहाँ हालत यह है कि नेशनल हाईवे पे तो हर वक्त ट्रक ही लगे रहते हैं और जिनको टोल नहीं लगता है, एक एक साइड ट्रैक पे ही दो दो गाड़ी चल रही होती है, आप वहाँ पहुंच ही नहीं पाते, और जिनको टोल नहीं और दूसरा ये है कि जिनको ठेके दिए जाते हैं वो इतने जबरदस्त होते हैं कि उनसे बहस करी वो पीटने पे आ जाते हैं। बहस ना जी, आप सिर्फ एक बार ये पूछ के कह दीजिए मतलब किस बात का, तो आपको इतनी देर में थप्पड़ पड़ गया होगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कुल मिलाकर यही है कि यहाँ का विपक्ष जो है वो मर गया हुआ है, हम तो यही कहेंगे, जिंदा लाश है वो विपक्ष, यहाँ पर जान ही नहीं है, बोल नहीं पा रहे करना क्या क्या नहीं करना, और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ कड़ाका कर्सी, ये कर्सी वो कर्सी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। और उपराज्यपाल जी को ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आपने अभी तक उतना उद्योग नहीं लाया कि यहाँ पर सभी को रोजगार मिल सके, तो ये प्रीपेड वाला जो सिस्टम है इस पर ध्यान दीजिए, और लोग बेवकूफ नहीं है जो सड़क पर उतरे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी तभी तो उतरे हुए हैं, और चंद लोगों को ये मीटर दिखा के आप विश्वास, पुलिस तो तहसीलदार की धमकी दी जा रही है कि भाई वो लगो जाएंगे, अपराधी हुए ना हम, फिर अपराधी है वही चीज है, इसीलिए अपराधी, तो ऐसा लगता है जैसे किसी अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।